सकते पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गिरौदपुरी जैतखाम और बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर दिए बयान में कहा कि पुलिस निर्दोष लोगों को बेवजह प्रताड़ित कर रही है। वही पुलिस इस घटना को नया मोड़ देने का षड्यंत्र कर रही है। पुलिस किशोर नवरंगे को रिमांड में लेकर कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। गिरौदपुरी के मकूनी गांव में 15-16 मई जैतखाम को क्षति पहुंचाया गया था, उसके बाद लगातार धरना प्रदर्शन और 10 तारीख को बलौदाबाजार में जो प्रदर्शन हुआ था, उग्र प्रदर्शन हुआ था, उसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने वाहनों को जलाया, कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को जलाया, आबकारी विभाग को जलाया, और उसके बाद जो पुलिस का आतंक उसी समय से शुरुआत हो गई। दौड़ा दौड़ा के पीटना, जो भी सफेद कपड़े पहने थे उसको मारना पीटना, भेदन पिटाई करना, शरीर से चमड़ी निकल जाने के हद तक की पिटाई की गई। हम लोग भी 14 तारीख को गए थे, प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष सिंह सब विधायक सब गए थे, और उस समय लोगों ने बताया कि घर घर में जाके पुलिस मारपीट भी कर रही है और बेवजह तंग भी कर रहे हैं। उस समय भी हमने पत्रकारों से ही कहा था कि जो वास्तविक में अपराधी हैं उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जो निरपराध है उनको किसी प्रकार के पुलिसिया प्रताड़ना नहीं किया जाना चाहिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।